आखिरकार कब रुकेगा बहन बेटियों पर अत्याचार, लगातार महिलाओं पर हो रहा अत्याचार, अपने ही अपने बनते जा रहे दुश्मन। सुबह सवेरे घूमने निकली महिला, मौका पाकर पति ने ही जमकर कर दी पिटाई। पहले से ही दोनों में दहेज प्रताड़ना का चल रहा केस, घायल महिला ने इकोना पुलिस से लगाई फरियाद। पुलिस ने महिला को भेजा अस्पताल। इकोना थाना क्षेत्र के जान मोहम्मदपुरवा बिश्नापुर गांव का यह पूरा मामला, अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुटी। आप सभी का सबसे तेज खबर सावसी चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के सावसी जनपद से है, जहां पर थाना क्षेत्र इकोना इलाके के जान मोहम्मदपुरवा बिश्नापुर निवासी आसमा खातून पुत्री अब्दुल हफीज काफ़ी परेशान है। वह अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ अधिकारियों के चक्कर लगाने को विवश है। महिला ने बताया कि उसकी शादी गांव में ही हुई थी, उसके दो बच्चे हैं और पति के बीच उसका मुकदमा चल रहा है जो न्यायालय में विचाराधीन है। महिला के साथ सुबह सवेरे जब महिला घूमने निकली तो विपक्षी पति ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने बीच बदलाव कराया, जिसके बाद महिला ने भागकर अपनी जान बचाई। महिला ने इकोना थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुटी हुई है। कई वर्षों से महिला का मामला अपने पति के साथ ही चल रहा है। गाँव कहाँ है? किसने मारा है? हमारा पति। काहे के लिए? हम सुबह घूमने जा रहे थे, साढ़े पाँच बजे मारे थे। हमारा ठेगा में न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। शादी कितने साल पहले हुई है? 2015 में। 2015 मुकदमा कब से चल रहा है? 2020 से। तो आज फिर मारे पीटे? ये आज नहीं, ये कम से कम हमें 20 बार मार चुके हैं। इससे पहले भी थाने में एप्लीकेशन दिए थे? जितने बार मारे थे उतने हर बार हमने थाने पर एप्लीकेशन दिए। कोई कार्रवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। कब से दौड़ रही हो तुम? कब से दौड़ रही हो थाने पे? हाँ। हम कब? आज मतलब हम सुबह 7:30। नहीं आज नहीं, पहले से कब से दौड़ रही हो, एप्लीकेशन दे रही हो? कितने साल से? ये करीब हम 3-3.5 साल से हम दौड़ रहे हैं। 3-4 साल से परेशान किए? ये हम ही को नहीं पड़ताल करता है, कभी हमारे ऊपर, कभी हमारे भाई को, कभी हमारे बाप को, कभी हमारे माँ को। तुम्हारे भाई कहाँ पहुँच जाते हैं? घर पे रहते हैं, जैसे चौराहा बाजार कोई सामान दवा वगैरह लेने गए, रास्ते में मिल गया तो वही मारपीट शुरू कर देते हैं। और ये मुकदमा चल रहा है 125 का है, और दहेज प्रथा केस है वो भी चल रहा है। तो ये 125 और 130 जो किए थे वो केस हार गए थे, ये हाईकोर्ट अपील किए थे तो वहाँ पे भी इनका कोई सुनवाई नहीं। वहाँ जो पैसा खर्चा का था वो कह रहे थे हाईकोर्ट में ये हुआ कि आप जमा कर दो। इसके अभी हम 12 तारीख को गए थे हाईकोर्ट, उसी के जब हम वहाँ से लौटे उसी दिन से ही हमारा पीछा कर रहे थे। आज मुझे सुबह 5:30 बजे जब हम निकले घर से घूमने के लिए, अपने मम्मी के यहाँ थी कि उन्हीं के यहाँ थी? नहीं, हम अपने मायके में। अच्छा, वहीं मार दिए? वहीं मारे।